फ्रेंड्स टू आईआईटीएंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। और टू आईआईटीएंस पर कॉन्सेप्ट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप टू आईआईटीएंस के ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। चलिए तो देखिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल ऑफ 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न। तो देखिए क्या है, एक लाइट हाउस से रेड कलर के की एक लाइन निकल रही है, रेड कलर की लाइट्स जो निकल रही है वो क्या है, एक सेक्टर की फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, तो उस सेक्टर की फॉर्मेशन कर रही है जिसका एंगल क्या है, 80 डिग्री है और रेडियस क्या है, 16.5 किलोमीटर है। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए एक समुद्र में, एक सी में एक लाइट हाउस बना हुआ है और लाइट हाउस से टू शिप्स को देखा जा रहा है। ठीक, शिप्स को देखा जा रहा है और जो लाइट हाउस की जो रे है वो क्या कर रही है, एक सेक्टर की फॉर्मेशन कर रही है, उस सेक्टर की जिसका एंगल क्या है, 80 डिग्री है। ठीक, तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, इन द गिवन फिगर light which is coming from the lighthouse is in the form of sector whose angle theta is 80 degree and radius of sector is 16.5 किलोमीटर। ठीक, तो अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। ठीक, वार्न मतलब क्या होता है, चेतावनी देना। ठीक है, तो ये आपका एरिया कितना हो जाएगा, थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और थीटा की वैल्यू यहां पर है 80 डिग्री डिवाइड बाय 360। ठीक है, इनटू पाई इनटू 16.5 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब ये आपका जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा और ये 8/36 इसको क्या कर सकते हैं, 4 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2 टाइम्स जाएगा और ये आपका 9 टाइम्स जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2/9 इंटू पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, 3.14 इंटू 16.5 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे ये आपका आ जाएगा 89.97 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एरिया हो जाएगा। ठीक, एरिया जो आपका सेक्टर के थ्रू फॉर्म हो रहा है।